हे गाइस, मेरा नाम है अब्दुल राशिद और आप देख रहे हैं द इंडियन बजट गेमर। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं ऐसी चीज के बारे में जिसके बारे में हो सकता है आप पहले से जानते हो। अगर आपने कभी भी स्ट्रीमर बनने की सोची होगी, अगर आपने गेम कभी स्ट्रीम करने की सोची होगी, तो डेफिनेटली आप कैप्चर कार्ड के बारे में भी जानते होंगे। अब कैप्चर कार्ड जो है वो लोग यूज क्यों करते हैं, इसका काम क्या है, जो काम आप फ्री में कर सकते हैं उसकी पैसे देने की जरूरत क्या है। हो सकता हो आपने भी कभी स्ट्रीम किया हो OBS का यूज करते हुए। OBS बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपकी स्क्रीन को रिकॉर्ड करके YouTube पर भेज देता है और YouTube पर आप लाइव हो जाते हैं। अब OBS में यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। OBS जो चलता है वो चलता है आपके CPU और ग्राफिक्स कार्ड के बल पे। मतलब कि जब आप गेम खेलेंगे और स्ट्रीमिंग साथ में करेंगे तो यहाँ पर आपका CPU और GPU गेमिंग के लिए तो यूज होगा होगा, प्लस स्ट्रीमिंग के लिए भी यूज होगा। मतलब कि जो आपका गेमिंग परफॉर्मेंस है वो आपको फुल नहीं मिलेगा। अब आपके CPU को दो काम करने पड़ेंगे, स्ट्रीमिंग भी करना और गेमिंग भी करना, जिसकी वजह से आपका जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और हो सकता हो आपको लैग और स्टटरिंग भी देखने को मिले। ये तो था केवल आपके एंड पे। जो बंदा आपका व्यूअर है, जो बंदा आपकी स्ट्रीम देख रहा है, उसको आपकी स्ट्रीम जो दिखेगी वो काफी लो एंड होगी। बंदा आपके स्किल्स देखने आया है वो आपकी बैड स्ट्रीम बिल्कुल भी नहीं देखेगा। अब आप स्ट्रीम करके पैसा कमा रहे हैं तो डेफिनेटली आप भी नहीं चाहेंगे कि आपके व्यूअर्स जो है वो ऐसे चले जाएं। आप भी चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा देखें और ज्यादा से ज्यादा आपको डोनेट करें। तो यहां पर दोस्तों एंट्री होती है कैप्चर कार्ड की। कैप्चर कार्ड का बेसिकली काम क्या होता है? कैप्चर कार्ड का काम जो होता है वो बिल्कुल सिंपल होता है, आपकी डिस्प्ले को रिकॉर्ड करना। और ये चीज मैं मानता हूं जितने भी स्ट्रीमर्स हैं आज हमारी कम्युनिटी में, उनके लिए ये एक बैकबोन है। अब आप ऐसे समझो कि जो काम आपका CPU कर रहा था रिकॉर्डिंग करने के लिए, वो काम अब आपका CPU नहीं करेगा। सारा का सारा कैप्चरिंग का जो काम होता है वो आपका कैप्चर कार्ड करेगा, प्लस जो व्यूअर्स को गंदी लो क्वालिटी की स्ट्रीम देखने को मिल रही थी, अब वहां पर उसको हाई क्वालिटी की स्ट्रीम देखने को मिलेगी। और फिर यही पर एंट्री होती है एवर मीडिया के कैप्चर कार्ड की। यहाँ पर दोस्तों एवर मीडिया ने मुझे GL310 एक कार्ड भेजा था, जो कि एक बजट सेगमेंट का कार्ड है, काफी चीप में आता है, लेकिन चीप में आता है और वो सारे फीचर ऑफर करता है जो कि एक स्ट्रीमर को चाहिए होते हैं। बात करें इस कैप्चर कार्ड की, तो ये कार्ड आपको मैक्सिमम 1080p 30fps पर स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग करवा देता है, जो कि अपने प्राइस पर ये काफी ज्यादा अच्छा है। बात करें हुई अनबॉक्सिंग की, तो बॉक्स में आपको आपका कैप्चर कार्ड, USB केबल और एक आपको एक HDMI केबल देखने को मिल जाती है। इंस्टॉलेशन दोस्तों इस कार्ड का बिल्कुल सिंपल है। ग्राफिक्स कार्ड से निकली हुई HDMI आपको इस कैप्चर कार्ड में लगा देनी है और इस कैप्चर कार्ड से जो निकली हुई HDMI आपको अपने मॉनिटर पर लगा देनी है और एक USB केबल आपको इस कैप्चर कार्ड पर लगा देनी है और सिंपल ये सारा काम हो गया। नेट पर दोस्तों जाना है आपको, इसके सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है एंड यू आर डन। अब बस दोस्तों कैप्चर करने के लिए आप चाहें तो हॉट की का भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो बीच में एक बटन दिया हुआ, आप उस बटन को दबा दीजिए, ये बटन रेड ग्लो होने लगेगा, मतलब कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर दोस्तों मैंने इस कार्ड को खुद पर्सनली यूज किया है गेमिंग के लिए और रिकॉर्डिंग के लिए, और पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करूँ तो यहाँ पर मुझे किसी भी तरीके का लैग और डिले देखने को नहीं मिला। मतलब जो लोग ये सोच रहे हो कि GPU के बीच में कैप्चर कार्ड भी आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको लेटेंसी देखने को मिले, नहीं, आपको लेटेंसी बिल्कुल नहीं देखने को मिलती है। प्लस जो यहाँ पर आपकी रिकॉर्डिंग होती है वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है आपके PC पे, और जितनी बार आप स्टॉप और स्टार्ट करेंगे नई फाइल क्रिएट होती जाती है, तो यहाँ पर आपको कोई फाइल क्रिएट करने कोई चकल्लस नहीं है, ये ऑटोमेटिकली सारी चीजें एडजस्ट कर लेता है। बात करें वही गेम प्ले के बारे में, तो मेरा गेम प्ले काफी स्मूथ रहा है और वही अगर रिकॉर्डिंग से इसे कंपेयर किया जाए तो बिल्कुल आइडेंटिकल है। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये रिकॉर्डिंग 30fps की है, प्लस जो क्वालिटी है इसकी वो भी काफी ज्यादा अच्छी है। तो इन कंक्लूजन मैं यहाँ पर केवल ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने स्ट्रीमिंग का प्लान बना रखा है और आप बजट में है तो ये कार्ड आपके लिए एक ऑसम चॉइस हो सकती है। ये कार्ड आपको मैक्सिमम 1080p 30fps की स्ट्रीमिंग करवा देता है। 30fps इज नॉट द बेस्ट, लेकिन बजट सेगमेंट में रह के आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। वही अगर आप 60fps पर अपना गेम अपग्रेड करना चाहते हैं, 60fps पर स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो दूसरे कार्ड्स आते हैं, वो थोड़े ज्यादा कॉस्टली होते हैं। तो बजट सेगमेंट में है अगर आप और एक कैप्चर कार्ड ढूंढ रहे हैं तो ये कैप्चर कार्ड आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका बेस्ट बाय लिंक दे दूंगा, आप में से जो लोग इस कैप्चर कार्ड को खरीदने की सोच रहे हैं जाकर खरीद सकते हैं। वैसे मुझे भी अब इस कैप्चर कार्ड से काफी हेल्प हो जाएगी। काफी लोग कहते हैं कि भैया गेम प्ले दिखाइए, गेम प्ले दिखाइए। गेम प्ले मैं आपको अक्सर केवल इसलिए नहीं दिखा पाता क्योंकि गेम प्ले मैं रिकॉर्ड करता हूँ रात को 12 बजे, जब सब लोग सो रहे होते हैं, तो इस कैप्चर कार्ड से मैं डायरेक्ट उसे कैप्चर कर सकता हूँ और आप लोग को डायरेक्ट गेम प्ले दिखा सकता हूँ, जिससे कि अब CPU का परफॉर्मेंस भी अफेक्ट नहीं होगा
और आप लोग गेम प्ले भी देख सकते हैं। वेल तो दोस्तों ये थे इस वीडियो में, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं इसे डेली ऑसम कंटेंट। तो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।